So students, in this video we are going to discuss two different types of x-rays, the characteristics x-ray and the continuous x-rays. Alright, the experimental observations and studies of spectra of x-rays reveal that x-rays are of two types. So are their respective spectra. So we are going to discuss the characteristics x-rays and the continuous x-rays. So first of all, we will discuss continuous x-rays. Alright. And then we'll discuss the characteristics x-rays. Okay, so let us start with the continuous x-rays. So let us consider this atom of a heavy target metal, jaisa ki humne dekha tha tungsten ya fir molybdenum, theek hai, ya fir platinum, theek hai. To is tarah se jo hai yahan pe alag alag मेटल्स हो सकते हैं, हैवी मेटल्स. तो जब हम लोग इस पे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे ये जो है ये है प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन. मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बम्बार्ड कर रहे हैं, ठीक है. वी आर बम्बार्डिंग दिस इलेक्ट्रॉन ऑन दिस हैवी टारगेट मेटल. तो उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, राइट. जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे भी टंगस्टन कंसिडर कर लिया, तो टंगस्टन के बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है. देयर आर मेनी एटम्स. तो जब इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, राइट, उसके अंदर इस तरह जाएगा और ऐसा एज्यूम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं टकरा रहा है, ठीक है. अभी ये केस वन, और केस टू हम लोग लेंगे जब वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो क्या होगा, ठीक है. तो ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, इसी तरह के एल एम एन, राइट. के में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में आठ होते हैं और एम में 16, ये तो पढ़ा है आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है, तो पहला केस हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इट डज नॉट कोलाइड विद एनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है. वो डायरेक्टली इस तरह से अंदर आता है और न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, राइट, अट्रैक्ट करता है और वो इस तरह से मानो चला गया, तो ऐसे आया और ऐसे चला गया, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, इलेक्ट्रॉन विल लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड दैट लॉस ऑफ एनर्जी विल बी यू नो रिलीज्ड एज अ फोटोन, दैट इज एक्सरे फोटोन. सो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे, ऑलराइट. तो जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, राइट, और अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स जो है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहा है जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, ठीक है. कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहा है जो न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर है, कोई न्यूक्लियस के पास है. तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल नॉट लूज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, रेदर दे विल लूज डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी. इसलिए अलग अलग एक्सरे फोटोज मिलेंगे, अलग अलग वेवलेंथ के मिलेंगे, ठीक है. मतलब अगर ये लैम्डा वन है, ये लैम्डा टू है, तो इस तरह लैम्डा थ्री, लैम्डा फोर, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा मिनिमम से लेकर इन्फिनिटी तक हमें सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है. लैम्डा विल लाई बिटवीन लैम्डा मिनिमम टू इन्फिनिटी. सवाल उठता है सर, ये लैम्डा मिनिमम कैसे डिसाइड होगा, तो दैट वी विल डिस्कस, ठीक है. सो दिस वी शुड अंडरस्टैंड हियर दैट द इलेक्ट्रॉन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाईली पॉजिटिव न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है दिस इज हाईली पॉजिटिव. सो इलेक्ट्रॉन विच इज कमिंग, राइट, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ हाईली पॉजिटिव न्यूक्लियस विल एक्सपीरियंस अ वेरी हाई एक्सेलरेशन, इट विल एक्सपीरियंस अ वेरी हाई एक्सेलरेशन, ऑलराइट. एंड व्हेन इट एक्सपीरियंस अ एक्सेलरेशन देन इट इज गोइंग टू एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, राइट. यही कॉन्सेप्ट है ये जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा है कि कभी भी कोई अगर एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तो वो एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करेगा, ठीक है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये न्यूक्लियस के बिकॉज इट वॉज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, राइट, बट ये न्यूक्लियस जो है दिस इज हाईली यू नो चार्ज पॉजिटिव सेंटर, क्योंकि इसके अंदर जैसे मान लीजिए अगर यू नो देयर आर 75 प्रोटॉन्स, 80 प्रोटॉन्स, तो ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है दिस इज अ हाईली पॉजिटिवली चार्ज सेंटर. तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और उसकी वजह से ये एक्सेलरेट होगा यहाँ पे, राइट. इट विल हैव अ वेरी हाई एक्सेलरेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नो इट विल बिकम एक्सेलरेटेड चार्ज, और एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होगा वो है एक्सरे का फोटोन, ऑलराइट. तो एक्सरे का फोटोन यहाँ पे रेडिएट होने वाला है, ऑलराइट. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड.
तो देयर फॉर दिस इलेक्ट्रॉन विल एमिट एक्सरे रेडिएशंस, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्सटर्नली हम बम्बार्ड कर रहे हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे यू नो एक्सरेज एमिट करेंगे और अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रेडिएट करेंगे, मतलब अलग अलग अमाउंट ऑफ इनका अलग, सबका अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, तो उसके हिसाब से ये अलग अलग जो है यहाँ पे दे विल रेडिएट डिफरेंट वेवलेंथ्स। दिस आर ऑल एक्सरेज बट देर हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स, सो दैट वेवलेंथ विल लाई बिटवीन लैम्डा मिनिमम टू इन्फिनिटी। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज दिस लैम्डा मिनिमम। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो एक्सरे यहाँ से निकल रहे हैं, द एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल बी इक्वल टू द डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, द डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। राइट, सो इफ यू थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी ऑफ द एक्सरे फोटोन विल बी बेसिकली इक्वल टू द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, सो दैट वी कैन कैलकुलेट वेरी इजिली। ऑलराइट, तो ये जो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, ई वी इसके बराबर है। तो वी क्या है, ये है वी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटिंग। तो हमने जैसा कल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो कूलिंग ट्यूब है उसमें दो तरह के वोल्टेज है, एक है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज और एक है आपका फिलामेंट वोल्टेज। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट, जिसकी वजह से वो जो हम लोग इलेक्ट्रॉन थर्मायनिक एमिशन से हमें इलेक्ट्रॉन मिले हैं जो हम इस पर बम्बार्ड कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिलता है और वो हाई स्पीड से इस टारगेट मेटल पे आते हैं और फिर वो एनर्जी लूज करते हैं, राइट, विदाउट कोलाइडिंग विद एनी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। दे जस्ट यू नो सिंपली पास अवे, इधर से आया इधर से निकल गया, दे जस्ट क्रॉस द एटम बट दे लूज द एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो ये जो है यहाँ पे दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप यहाँ देखो तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी, तो यहाँ से आपको वी मिल जाएगा, वी कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा 2 eV/m, मतलब इस वेलोसिटी के साथ हम इसको बम्बार्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द एटम, जब यहाँ से आते हैं कम आउट फ्रॉम द एटम ऑफ एनोड मटेरियल, मतलब बेसिकली कम आउट फ्रॉम द टारगेट मटेरियल, इस तरह से बाहर आते हैं, द स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी वेरी लेस। अगर ये वी है इसका, यहाँ पे ये वेलोसिटी वी है, तो यहाँ कुछ वी डैश होगा, दिस वेलोसिटी विल बी डिफरेंट, ठीक है। सो दे कम आउट विद अ डिफरेंट वेलोसिटी विच इज़ वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू इट्स इनिशियल स्पीड, राइट। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन, दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जब ये प्लेटाइल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, दे हैव अ वेलोसिटी विच इज वेरी हाई, और जब एंटर करके यहाँ से बाहर निकलते हैं देन दे लूज देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड दे कम आउट विद दिस एनर्जी विद दिस वेलोसिटी वी डैश विच इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी वी। सो दिस लॉस ऑफ एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन्स एंड दिस एक्सरे फोटोन्स कैन हैव यू नो ऑल द पॉसिबल वेवलेंथ्स, इनके लिए कोई ऐसा फिक्स वेवलेंथ नहीं, दे कैन हैव ऑल द वेवलेंथ्स रेंजिंग फ्रॉम लैम्डा मिनिमम टू इन्फिनिटी। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस डिस्कस दैट व्हाट इज दिस लैम्डा मिनिमम और लैम्डा कट ऑफ, इसको हम लोग लैम्डा कट ऑफ भी कहते हैं, सो लेट अस डिस्कस दैट। ऑलराइट, नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लैम्डा मिनिमम विच इज बेसिकली लैम्डा कट ऑफ। ओके, तो ये कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे जो हमने ये टंगस्टन का एटम कंसिडर किया, मैं जस्ट इसको सिंपली छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो ये न्यूक्लियस है बीच वाला। ऑलराइट, तो जो इलेक्ट्रॉन एकदम यू नो न्यूक्लियस के सबसे पास एकदम इस तरह से जो जाएगा, राइट, ये वाला इलेक्ट्रॉन, दिस विल एक्चुअली लूज द मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। दिस विल बी मोर एक्सेलरेटेड, मोस्ट एक्सेलरेटेड, एंड द एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू द दिस इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, राइट, एज कम्पेयर टू द दोज इलेक्ट्रॉन्स विच पास थ्रू द एटम एट रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये ज़्यादा एक्सेलरेट होंगे और ज़्यादा डिसेलरेट होंगे, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है यही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो विच विल लॉस इन टर्म्स ऑफ एक्सरे फोटोन। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, राइट, वो कितना है, वो ईवी है, तो मैक्सिमम वो कितना एनर्जी लूज कर सकता है, उसके पास जितना है उतना ही लूज कर सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं लूज कर सकता। अगर आपके पास 500 रुपीज़ है तो आप कितना, सबसे ज़्यादा कितना आप यू नो हाउ मच लॉस कैन यू हैव और कैन यू बेयर, तो यू कैन बेयर अ मैक्सिमम लॉस ऑफ 500 रुपीज़, इससे ज़्यादा तुम कहाँ से बेयर कर रहे हो, इससे ज़्यादा तुम्हारे पास है ही नहीं।
तो वैसे ही यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो ईवी है, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ईवी, राइट। इट कैन लूज एनी अमाउंट बिटवीन 0 to EV, सो द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, राइट, इट कैन रेंज बिटवीन 0 to EV, राइट। 0 से लेकर EV तक वो कुछ भी लूज कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना लूज कर सकता है? मैक्सिमम लूज कर सकता है ईवी, दिस इज द मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी दैट इज पॉसिबल, ईवी। एंड दिस कैन कन्वर्ट इन टू वॉट? दिस कैन कन्वर्ट इन टू अ फोटोन, ऑल राइट, द एक्सरे फोटोन। सो द मैक्सिमम एनर्जी, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एक्सरे फोटोन कैन बी इक्वल टू ईवी, ऑल राइट। एंड दिस इज वॉट? दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन जो पॉसिबल है, राइट। सो हम इसको लिख देंगे एच सी बाई लैमडा मिनिमम इज इक्वल टू ई वी। तो यहाँ से हमें लैमडा मिनिमम मिल जाएगा, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा लैमडा मिनिमम और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा लैमडा मैक्सिमम जो कि इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। तो यहाँ से आपको लैमडा मिनिमम मिल जाएगा, वो हो जाएगा ई वी, सॉरी एच सी बाई ई वी, राइट। इसको आप यहाँ लाओगे और उसको वहाँ लेके जाओगे तो ये हो जाएगा एच सी बाई ई वी। अब आपको एच सी पता है, दैट इज 1,2,3,7,5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, राइट। दिस इज एच सी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट, ओके। ये जो यहाँ पे वोल्टेज है, ये दिस विल वी कैन पुट दिस इन, जो भी यहाँ वोल्टेज दिया होगा दैट वी कैन पुट एंड वी कैन सॉल्व इट, ओके। यहाँ वी का वैल्यू दिया रहेगा आपको, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ये कुछ यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा आपको वोल्टेज का, जैसे 50 वोल्ट दिया है तो आप लिखोगे यहाँ 50 वोल्ट, राइट, 50 वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कैंसिल होगा, 50 रह जाएगा, तो 1,2,3,7/50, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी इज 50, तो ये आपको सॉल्व करके ये आएगा 1,2,3,7/5 एंगस्ट्रॉम बाई 50। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? लैम्डा मिनिमम, ठीक है, ओके। तो ये जो वी है, ये वी क्या है? ये है वी ए सी सी, यानी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। सो दिस इज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो हमने कूलिंग ट्यूब में लगाया है, सो दिस इज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ऑल राइट। आई होप आपको समझ में आएगा ये पॉइंट। तो लैमडा मिनिमम जो है वो ये है और लैमडा मैक्सिमम जो है इनफाइनाइट हो सकता है, यानी जो लैमडा है दैट कैन लाई बिटवीन लैमडा मिनिमम टू लैमडा मैक्सिमम। लैमडा मिनिमम इज एच सी बाई ई वी, वी कौन सा? वी एक्सेलरेटिंग, राइट। इट विल इससे बड़ा हो सकता है लैम्डा या इन्फिनिटी से छोटा, ठीक है। तो हम लोग उसका ग्राफ बना सकते हैं जो हमने पहले लेक्चर में बनाया था, राइट। मतलब ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज है कंटिन्यूस एक्सरेज में, ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हैं जो हमें वेवलेंथ के मिल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन हमने बात किया, विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट इलेक्ट्रॉन विच लूजेज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी, विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन विच विल लूज, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हम बम्बार्ड कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन विच विल लूज ऑल ऑफ इट्स एनर्जी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा? उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा लैम्डा मिनिमम, या उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एक्सरे फोटोन, ठीक है। तो ये पॉइंट है, जितना वो लूज करेगा वो फोटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज कर रहा है दैट इज कन्वर्टिंग इन टू फोटोन। सो ये जितना ज्यादा लूज करेगा उतना ज्यादा हमें इसका एनर्जी मिलेगा एज पर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी है, ऑल राइट। देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन अदर टर्म्स, इट्स ओनली इन टर्म्स ऑफ फोटोन्स, ऑल राइट। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ऑल राइट। तो यहाँ पे दैट इलेक्ट्रॉन विच लूजेज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी, राइट, विच लूजेज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द एक्सरे फोटोन, ऑल राइट। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, सो दिस फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी विल हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेव लेंथ अमॉन्ग ऑल द फोटोन्स रेडिएटेड बाई अदर इलेक्ट्रॉन। सो देर आर इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स वी आर बम्बार्डिंग एंड देर आर इनफाइनाइट एक्सरे वी आर गेटिंग, सो उस एक्सरे में सबसे छोटा वेव लेंथ होगा वो इस मैक्सिमम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा मिनिमम होगा, और ये मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। सो इज ऑल रिलेटेड, सो वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन है जो एनर्जी लूज कर रहा है उससे हमें एक्सरे फोटोन मिल रहा है, ठीक है। तो ये जितना एनर्जी लूज करेगा इसमें हमें उतना ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, ये मैक्सिमम एनर्जी कितना लूज कर सकता है? ई वी, दैट विल बिकम इट्स एनर्जी, सो ई इज इक्वल टू ई वी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट समझने के लिए, ऑलराइट। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए,
अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ एक्स कंटिन्यूस एक्स रे। तो लेट अस डिस्कस द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस द वेवलेंथ। तो ये यहाँ पे आप पहला ग्राफ देखिए, राइट। तो अगर हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 20 किलो वोल्ट रखा है, 20 किलो वोल्ट रखा है, तो मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो सकता है ईवी, तो वो हो जाएगा 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ओके, दिस विल बी योर मैक्सिमम लॉस इन एनर्जी विच इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा कट ऑफ या लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा कट ऑफ मिल जाएगा हमें एच सी बाय 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, फर्स्ट वन। तो इसको मैं लैम्डा सी वन कह देता हूँ, लैम्डा कट ऑफ वन। अब मानो कि हम लोगों ने अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ा दिया, यानी 20 किलो वोल्ट से इसको 30 किलो वोल्ट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में जो हमें लैम्डा सी टू मिलेगा, लैम्डा कट ऑफ टू, वो कितना मिलेगा? वो हमें मिलेगा एच सी बाई 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर अगर हम लोगों ने इस वोल्टेज को और बढ़ा दिया, 40 किलो वोल्ट कर दिया, तो इस केस में हमें जो कट ऑफ वेवलेंथ मिलेगा लैम्डा सी थ्री, वो कितना मिलेगा? एच सी बाई 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, ठीक है। और इसको हमने और बढ़ा दिया, अगर 50 किलो वोल्ट कर दिया, तो इस केस में जो सबसे छोटा वेवलेंथ जो पॉसिबल है, राइट, लैम्डा सी फोर, तो वो कितना होगा? वो होगा एच सी बाई 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो सबसे जो छोटा वेवलेंथ है वो ये वाला होगा, एच सी बाई 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो हमने यहाँ लिखा है लैम्डा सी फोर, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, लैम्डा कट ऑफ का वैल्यू और छोटा होता जाएगा, लैम्डा मिनिमम और छोटा होता जाएगा। क्योंकि बात बहुत सिंपल है, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, कि जैसे जैसे आप यहाँ पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाओगे, वैसे वैसे उसके साथ साथ उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, राइट। और उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो उतना ज़्यादा वो एनर्जी लूज कर सकता है, और जितना ज़्यादा वो एनर्जी लूज कर सकता है उतना छोटा हमें वेवलेंथ मिलेगा, बिकॉज हाई एनर्जी कॉरस्पॉन्ड्स टू स्मॉल वेवलेंथ, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ। तो ये हमें यहाँ पे समझना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपको लैम्डा कट ऑफ से लेके इन्फिनिटी तक के सारे यहाँ पे वेवलेंथ जो वो आपको मिलेंगे, ऑलराइट, यू विल बी एबल टू गेट ऑल द। सो एज वी कैन सी इन द ग्राफ, इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं जो इंटेंसिटी है, राइट, इंटेंसिटी ऑफ द एमिटेड एक्सरे विल बी मैक्सिमम फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर वैल्यू है वेवलेंथ का, इसके लिए अलग एक वेवलेंथ का वैल्यू है। सो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ वी कैन सी द इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, ऑलराइट। सो द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ फॉर अ पर्टिकुलर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जैसे 20 किलो वोल्ट अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है तो उसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है, राइट, इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे विच इज एमिटेड। और अगर आप 30 किलो वोल्ट लोगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को, तो उसके लिए दूसरा कोई एक वेवलेंथ होगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसपे जो इंटेंसिटी होगा कंटिन्यूस एक्सरे का वो मैक्सिमम होगा। वैसे आप 40 किलो वोल्ट लोगे तो उसमें एक दूसरा कोई वेवलेंथ मिलेगा। तो मतलब एक पर्टिकुलर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है, ऑलराइट। द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। सो दिस इज व्हाट वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। और एक और चीज़ यहाँ पे जो हम लोग समझ सकते हैं, तो एक चीज़ जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं वो ये है कि अगर हमें इंटेंसिटी वेरी करना है, राइट, तो एक तरीका ये है कि हम ये वोल्टेज को वेरी करें, तो इंटेंसिटी जो है वो वेरी करता जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, लेकिन ना वो एक वहाँ पे जो वो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ भी चेंज होता है, जिस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो वेवलेंथ भी चेंज होता जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें इस एक ही यू नो पोटेंशियल पे अगर इंटेंसिटी चेंज करना है, तो फिर उसका तरीका ये है कि हम फिलामेंट वोल्टेज चेंज करें, राइट। तो फिलामेंट वोल्टेज मतलब आपको उस डायग्राम में याद होगा फिलामेंट वोल्टेज अलग था, वो उस फिलामेंट से कनेक्टेड था, ऑलराइट, इस फिलामेंट से कनेक्टेड था। तो अगर हम फिलामेंट वोल्टेज चेंज करेंगे तो यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड हो रहे हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ज़्यादा हो जाएंगे, थर्मायनिक एमिशन ज़्यादा हो जाएगा। तो थर्मायनिक एमिशन ज़्यादा हो जाएगा तो करंट, यानी जो करंट है, राइट, करंट इस इलेक्ट्रॉन का करंट बढ़ जाएगा, राइट, जो हम इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कर रहे हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो फिर से हमारे पास जो एक्सरेज इसमें एमिट हो रहे हैं, राइट, एमिशन ऑफ एक्सरे बढ़ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, मतलब अगर हमें एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को फिक्स रखना है तो हम
और फिर हमें इंटेंसिटी चेंज करना है, तो हम फिलामेंट वोल्टेज को चेंज करेंगे, ओके। और हमें अगर फिलामेंट वोल्टेज कांस्टेंट रखना है और हमें इंटेंसिटी चेंज करना है, तो हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को चेंज करेंगे। तो जब हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो भी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है, तो इसको मैं समराइज कर देता हूँ जस्ट। तो स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझा रहा था कि द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड एक्सरे विल बी मैक्सिमम फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एट अ पर्टिकुलर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझाया था, जैसे कि आपने देखा था ये वाला ग्राफ इस तरह से। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा, राइट, एक तो ये होगा लैम्डा कट ऑफ और एक होगा लैम्डा एम। लैम्डा एम मतलब जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने वाली है, और एक है लैम्डा कट ऑफ, ठीक है, यानी जहाँ पे आपको विच इज़ द मिनिमम वेवलेंथ पॉसिबल, ठीक है। लैम्डा कट ऑफ इज द मिनिमम वेवलेंथ पॉसिबल एंड लैम्डा एम इज द वेवलेंथ फॉर विच द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, ओके, फॉर विच द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड इज लैम्डा एम, राइट, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए, जैसे 20 किलो वोल्ट लिया हमने, तो उसके लिए ये लैम्डा एक पर्टिकुलर फिक्स होगा। अगर हमने इसको चेंज किया तो ये चेंज होगा, राइट, ये भी चेंज होगा। तो जैसे जैसे हम ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल चेंज करेंगे, दोनों चेंज होंगे। अगर हम वी को बढ़ाएंगे, इफ़ वी इंक्रीज वी, तो लैम्डा कट ऑफ कम हो जाएगा, राइट, वो हमने देखा था, क्योंकि लैम्डा कट ऑफ इज इक्वल टू एच सी बाई ई वी, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो अगर हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो लैम्डा सी जो है वो कम होते जाएगा, ठीक है, शिफ्ट होते जाएगा, इधर शिफ्ट होगा, तो उसके हिसाब से लैम्डा एम भी शिफ्ट हो जाएगा, लैम्डा एम भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों शिफ्ट हो जाएंगे। तो एज वी कैन सी दैट वी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज या एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, लैम्डा कट ऑफ यानी ये वाला वो भी डिक्रीज होगा, और लैम्डा एम यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये जो लैम्डा एम है जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, ओके। सो लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड वे टू इंक्रीज द इंटेंसिटी। सो इफ वी कीप द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फिक्स्ड, अगर हमने इसको फिक्स कर दिया, पिछली बार हमने इसको इंक्रीज किया था, नाउ इफ वी कीप दिस फिक्स्ड, राइट, एंड इंक्रीज द फिलामेंट वोल्टेज, अगर हम इसको बढ़ाएं, फिलामेंट वोल्टेज को बढ़ाएं, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द कैथोड ड्यू टू थर्मायनिक एमिशन विल इंक्रीज। तो ये जो यहाँ पे कैथोड है, राइट, ये एनोड, ये कैथोड, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी बम्बार्डेड ऑन द टारगेट मटेरियल, दिस इज द टारगेट मटेरियल, एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी बम्बार्डेड ऑन द टारगेट मटेरियल। तो क्या होगा, तो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल स्ट्राइक द एनोड मटेरियल, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस टारगेट मटेरियल को स्ट्राइक करेंगे, एंड द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे फोटोन विल इंक्रीज। मतलब जो हमने ग्राफ देखा, इस ग्राफ पे आपने देखा कि इस तरह से ये जो है, दिस इज लैम्डा कट ऑफ, ठीक है, एंड दिस इज यू नो लैम्डा एम, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो अगर हमने वी एक्सेलरेटिंग को फिक्स रखा है, तो ये लैम्डा कट ऑफ फिक्स रहेगा, क्योंकि लैम्डा कट ऑफ जो है बेसिकली वो होता है एच सी बाई ई वी एक्सेलरेटिंग। तो अगर हमने वी एक्सेलरेटिंग को, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को हमने फिक्स रखा है, तो ये लैम्डा कट ऑफ फिक्स रहेगा, ठीक है, यानी ये फिक्स रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, यानी ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। और हमने फिलामेंट वोल्टेज को बढ़ाया, तो इस तरह से जो है हमें ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। और आपने बढ़ाया तो ये और ऊपर जाएगा इस तरह से, और आपको इस तरह ग्राफ मिल जाएगा, यानी लैम्डा कट ऑफ को फिक्स रख सकते हैं आप। अगर आपने वी एक्सेलरेटिंग को फिक्स किया, यानी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को फिक्स रखा, तो लैम्डा कट ऑफ फिक्स रहेगा, लेकिन अगर फिलामेंट वोल्टेज आपने चेंज किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो निकल रहे थर्मायनिक एमिशन की वजह से, इस कैथोड से जो ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होकर टारगेट पे बम्बार्ड हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे जो एक्सरे का इंटेंसिटी है, इससे जो एक्सरे एमिट होगा, वो एक्सरे का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा इस तरह से, तो ये इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, राइट, समझ में आ रहा आपको, इस तरह से ये होगा। ऑलराइट, तो आई हैव एक्सप्लेन यू कंटिन्यूअस एक्सरेज, नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल। लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर, व्हेन 0.50 एंगस्ट्रॉम एक्सरेज स्ट्राइक अ मटेरियल। सो लेट अस टेक, यहाँ पे हमने मटेरियल ले लिया, ठीक है, और ये एक्सरे इधर स्ट्राइक कर रहा है, तो दिस इज अ मटेरियल, और यहाँ सो है 0.50 एंगस्ट्रॉम का एक एक्सरे इसको स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, मतलब बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड, इसका वेलोसिटी ऐसा है,
और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इसको अप्लाई कर दिया है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इधर अप्लाई किया है वो है 2 × 10⁻²⁺ टेस्ला, ठीक है। और राइट ये इसको, तो इसका जो रेडियस है राइट, इसका यहाँ पे रेडियस बताया गया, रेडियस है इसका 23 mm, 23 mm। और राइट तो पूछा गया हम लोग से व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द के शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ का जो एटम है यहाँ पे उस एटम के शेल के इलेक्ट्रॉन्स का बाइंडिंग एनर्जी हमें बताना है, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, तो ये जो एटम है इस एटम के यहाँ से, ठीक है, यानी के शेल से जो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से बाहर आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट राइट, जब ये फोटोन इधर से आया और ये फोटोन ने इसको स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ओके ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से घूमने लग गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे जो टोटल अपना जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी किसका होगा, दिस विल बी एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन राइट, दिस विल बी द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, क्योंकि वो टोटल एनर्जी लेके आ रहा है, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पर डालेंगे तो हमें यहाँ से वर्क फंक्शन मिल जाएगा, तो वो वर्क फंक्शन ही बेसिकली क्या है, इट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द के शेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द के शेल इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी पहले निकाल लीजिए, तो जो टोटल एनर्जी है वो कैसे निकालेंगे हम, वो हम निकालेंगे एच सी बाय लामडा से, तो एच सी बाय लामडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी कहाँ से मिलेगा हमें, तो वी फाइंड करने के लिए हम लोग रेडियस का इक्वेशन यूज करेंगे, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी होता है, तो यहाँ से हमें वी मिल जाएगा, वी हो जाएगा क्यू बी आर बाई एम, ठीक है, ये हो जाएगा वी का वैल्यू, वी का वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका यहाँ से एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम, वी की जगह हम लोग डालेंगे क्यू बी आर बाई एम, तो वी स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ये एम कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इसमें ये सारे वैल्यूज हमें पता है, ठीक है, एच सी बाय लैम्डा आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 24.8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है वर्क फंक्शन प्लस, आप इसको सॉल्व करेंगे राइट, आप ई चार्ज मतलब ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻²⁺ टेस्ला, आर इज द रेडियस 23 mm उसका स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर करना मत भूलिए, डिवाइड बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 × 10⁻³¹, इसको आप सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे फाइंड आउट कर लोगे तो ये निकल कर आ जाएगा 18.36 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ से आपको वर्क फंक्शन मिल जाएगा, और ये जो वर्क फंक्शन है दिस इज बेसिकली द बाइंडिंग एनर्जी, दिस विल बी 24.8 − 18.36 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपका 6.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलराइट ओके।